वीडियो वायरल ना हो तो बहुत सारी सच्चाई का पता ना चले। कई बार लगता है कि वीडियो अपने आप में पत्रकार बन गया है, जो काम पत्रकारों को करना चाहिए वो वीडियो वायरल होकर कर दे रहा है, वरना आप जान ही नहीं पाते कि कबड्डी के खिलाड़ियों को शौचालय में खाना परोसा जा रहा था। यह घटना सहारनपुर की है। ये स्तब्ध करने वाली तस्वीरें हैं टॉयलेट के भीतर खाना रखने और परोसे जाने की। चार दिन पहले सहारनपुर में एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के दौरान ये वाकया हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि लड़कियां टॉयलेट के भीतर अलग अलग बर्तनों में रखे चावल और सब्जियां ले रही हैं। इनके पास एक कागज के टुकड़े पर छोड़ी हुई पूरियां दिखाई पड़ रही हैं। इस एक मिनट के वीडियो में कैमरा पैन होकर यूरिनल और वॉश बेसिन दिखाता है और फिर उसके दरवाजे के पास फर्श पर रखी चावल की प्लेट दिखाता है। खिलाड़ी खाना लेकर बाहर जाते देखे जा सकते हैं। एक अन्य वीडियो में कामगार बर्तन उठाकर उसे बाहर ले जाता है जहां खाना पकाया जा रहा है। ये मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने सहारनपुर स्पोर्ट्स ऑफिसर को निलंबित कर दिया है। उसने दावा किया था कि जगह की कमी से खाना चेंजिंग रूम में रखा गया था। नहीं बाथरूम में नहीं कराया जा रहा था, असल में स्विमिंग पूल के अंदर, क्योंकि खाने की बारिश हो रही है इसलिए स्विमिंग पूल के अंदर खाने का अरेंजमेंट किया गया है। और जो उनका खाना है, जो स्विमिंग पूल का जो चेंजिंग रूम होता है उसके अंदर उसको खाने का सामान उनको रखना, क्योंकि वही एक जगह बैठ रही है। यहाँ पर निर्माणाधीन पूरे स्टेडियम चल रहा है, कहीं जगह नहीं, आप खुद भी देख सकते हैं, तो वहाँ पर जाके खाने का व्यवस्था की जाए। कबड्डी खिलाड़ियों के साथ इस तरह की बदसलूकी पर कई राजनीतिक दलों ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि बीजेपी तरह तरह के प्रचार पर करोड़ों खर्च कर सकती है लेकिन खिलाड़ियों के लिए कायदे का इंतजाम नहीं कर सकती। वाईएसआर ने ट्वीट किया, यूपी में कबड्डी खिलाड़ियों को टॉयलेट में खाना दिया गया, क्या बीजेपी इस तरह खिलाड़ियों का सम्मान करती है? शर्मनाक। आरएलडी अध्यक्ष जयंत सिंह ने इसे अपमानजनक बताया। इस कहानी की सबसे अजीबोगरीब बात शायद ये है कि सरकारी अफसर ये बहाना मार रहे हैं या ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि उनके पास और कोई जगह नहीं थी कबड्डी के खिलाड़ियों को खाना सर्व करने के लिए टॉयलेट के अलावा।